मेरे घर के ताले टूटे हुए हैं और उसमें से 60,000 रुपये करीब नकद और सोने चांदी के आभूषण गायब हैं, जिस पर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीमान एसपी साहब, जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। दिनांक 27 सितंबर को प्रगति नगर से गोपाल सैनी ने उपस्थित थाना को रिपोर्ट पेश की कि मैं परिवार के साथ घर से बाहर गया हुआ था और जब वापस आया तो देखा मेरे घर के ताले टूटे हुए हैं और उसमें से 60,000 रुपये करीब नकद और सोने चांदी के आभूषण गायब हैं, जिस पर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीमान एसपी साहब चूना राम जी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में विशेष टीम बनाकर इसका शीघ्र खुलासा करें। उसी क्रम में एक विशेष टीम बनाई गई, वह विशेष टीम के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया। वह अनुसंधान के दौरान एक मुलजिम खालिद निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया है, जिसने घटना कबूल करना किया है। वह उसके साथ एक अन्य मुलजिम अजहर था, जो निवासी महाराष्ट्र बॉम्बे का है, जिसकी तलाश जारी है। ये इसका खालिद का क्या है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और ये बॉम्बे का जो आरोपी है, इसकी कैसे पहचान हुई दोनों की आपने? खालिद पूर्व में एक हत्या के प्रकरण में 12 साल जेल में रहा था, जो इसी वर्ष जनवरी में छूट के आया था। जब ये जेल में रहा तो इसी दौरान इसकी मुलाकात अजहर से हुई, जो बम्बई निवासी है और इंदौर में किसी चोरी नकबजनी की वारदात में गिरफ्तार हुआ था। वहीं से इनकी दोस्ती हुई थी और उन दोनों ने वहाँ से बाहर निकल के ये योजना बनाई। क्या लग रहा है, कोई और भी वारदातें खुल सकती हैं इनसे? मुलजिम काफ़ी शातिर है और ऐसे भी तथ्य आ रहे हैं कि इनके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो ईरानी गैंग है उनसे संबंध है, तो इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है।